करने वालों की सफलता पक्की होती है, युवाओं के हाथ में ही देश की तरक्की होती है। तो एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं कोलकाता के इंस्पेक्टर मिस्टर मनोज मानीवाल जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपने सुविचार हम तक पहुंचाएं। बहुत धन्यवाद मंचा से डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, आप सभी को सहृदय से धन्यवाद। और जो ये श्रोता आज हमारा भी उत्साह बढ़ा रहे हैं, इनको भी दिल से धन्यवाद। देखिए, मैं आप लोगों को पहले से ये बताना चाहूँगा कि कोई एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं, ये एक तरह की लीगल लिटरेसी का पार्ट है। लीगल लिटरेसी का मतलब आपको विधि साक्षरता, यानी कि कानून का भी ज्ञान होगा, क्योंकि आप सब मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। आपको अपने फील्ड में निसंदेह अपने फील्ड का ज्ञान है, लेकिन जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसी से लगा होता है विधि का ज्ञान। विधि के ज्ञान पर मैं बहुत, मतलब अगर आप लोगों की तरफ से कोई सवाल आएगा तो मैं विधि के ज्ञान को प्रोसेस कर सकता हूँ, क्योंकि वक्ता भी मेरे पीछे भी हैं और मेरे से पूर्व वक्ता ने भी आप लोगों को एक तरह से बता दिया कि मोटिवेशनल और आज की इसी जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या है। सामाजिक पृष्ठभूमि में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों का स्वागत जो है आने वाले समय में जीवन के उस पड़ाव से होगा जिसमें आपको जिम्मेदारी का एहसास होगा, क्योंकि अभी आप अपने भैया हंसो मत, जिसे हंसना है कृपया हंसना भी एक एक्सरसाइज हो। आप कृपया करके सुने, आज आपके हम लोग बहुत कीमती समय निकाल के आप लोगों के बीच में आए हैं और समय मांग रहे हैं। आप लोगों ने समय नहीं दिया पर मांग रहे हैं, तो मांगा जो आप मांगता है ना वो महान होता है, मतलब हम कृतज्ञ हैं आप लोगों के प्रति। तो कृपया करके समय वेस्ट ना करें, हंसना मत। तो मेरा कहने का अर्थ ये था, आप लोगों का आने वाले समय में जो समाज की मुख्य जिम्मेदारी है, अर्थात आप आने वाले समय में शादी विवाह के बंधन में बनेंगे, अभी आप बच्चे हैं कल तो आपके बच्चे होंगे, आज आप अपने पेरेंट्स के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड हैं, उनको फीस ले रहे हैं, सब कुछ पेरेंट्स से ही आ रहा ना, इनकम का सोर्स पेरेंट्स है, वो आपके अच्छे भले बुरे सबके साक्षी हैं और आपके हर पाप में वो शामिल हैं, आपके हर पुण्य में भी शामिल हैं। तो आने वाला समय आप लोगों के, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण विचार जो ज़िंदगी से जुड़े हुए और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हम तक पहुंचाए, कानून की कई बातें हमारे युवाओं को बताई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सीआईएमएस मेडिकल कॉलेज की जो नर्सिंग और पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने सर की बातों को ध्यान से सुना भी होगा और उनकी बातों को अपनी ज़िंदगी में अमल भी ज़रूर करेंगे। मुद्दत से आता हर दिन, ज़िंदगी में नई उम्मीद जागे, आज का दिन बख्शे खुशियाँ आपको, नेक कामों से सबके नसीब जागे। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि बनकर आए हैं वो एक नेक बातें ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप सब युवा हैं और युवाओं से ही हमारा देश है। जिस कदम आप बढ़ेंगे वो कदम देश को बढ़ाएगा आगे की ओर। तो उम्मीद करते हैं कि जो नो ड्रग्स यानी कि नशा मुक्त अभियान के खिलाफ हमारे कॉलेज के चेयरमैन सर भी 2005 से एक अभियान चला रहे हैं और बार बार आपके बीच में, क्योंकि सुबह जब प्रार्थना होती है तो उस वक्त भी बार बार यही बताया जाता है कि नशे को कहे ना और जिंदगी को कहे हाँ, ये बातें आपको बताई जाती है और आप जरूर इस पर अमल करते होंगे। तो आज हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि बनकर आए हैं, जो आपको शपथ भी दिलाएंगे इसके खिलाफ, उनकी बातों पर भी आप जरूर गौर करेंगे। और वैसे भी सीआईएमएस मेडिकल कॉलेज की महफिल में तो हमेशा मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान लेकर लोग आते हैं। तो आगे के कार्यक्रम के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमान अनिल शर्मा जी, सीईओ हैं, जो हमारे बीच उपस्थित हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, मंच हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच।
हेलो फ्रेंड्स, मंच पे बैठे हुए डायरेक्टर साहब पवन शर्मा जी और ललित जोशी जी का स्वागत है। पूर्व में सभी वक्ताओं ने बताया आपको नशे के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में और कुछ ट्रैफिक रूल्स के बारे में।